भाषा और पहचान के बीच एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है और इस इम्पॉर्टेंस को पहचानने वाले हैं हमारे गेस्ट सत्या दत्त जो हिंदी लैंग्वेज और कल्चरल ट्रस्ट ऑफ न्यूजीलैंड से हैं। वेलकम सत्या जी। नमस्ते जी। तो आपको कब एहसास हुआ पहले कि ऐसी ट्रस्ट की ज़रूरत है न्यूजीलैंड में? वो यहाँ पर हमारा जो ट्रस्ट है वो 2009 से हम कायम किए हैं और हम यही चाहते हैं जो हमारी भाषा जो है वो यहाँ पर न्यूजीलैंड में ज़्यादा से ज़्यादा काम में लाए जाए हमारे समाज के अंतर्गत में। और यहाँ पर 12 भाषाएं हैं जो सब सरकार यहाँ पर पूरी तौर से उनको मदद कर रही है, उनका पाठ्यक्रम जो करिकुलम वो बनाई गई है और पढ़ने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है, पर हमारी भाषा के लिए अभी तक व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं हुई है। और हम यही चाहते हैं कि हमारी जो भाषा है वो करिकुलम के अंतर्गत में लाया जाए और उसको पढ़ाया जाए। अगर देखा जाए कि हमारी हिंदी भाषा जो है वो तीसरी जगह पर यहाँ पर ऑकलैंड में बोली वाली भाषा है और चौथी जगह पर सारे न्यूजीलैंड में है। अब देखा जाए कि हमारे भाषा की रैंकिंग हो गई है और हम यही चाहेंगे कि हमारे समाज के लिए, हमारे जो आने वाले जो भविष्य जो है उनके लिए, बच्चों के लिए ये भाषा सभी के लिए उपलब्ध हो। और सत्या जी, अगर बात करें करिकुलम की, तो कोई अभी तक सक्सेस रेट हुआ है आपकी इस कोशिश में? देखा जाए कि जो करिकुलम है, करिकुलम भी हमारे हिंदी लैंग्वेज एंड कल्चर ट्रस्ट ऑफ न्यूजीलैंड के द्वारा हम तैयार करने में शुरू किए हैं, पर ऐसा है कि हमारे पास में एक्सपर्टीज ना होने के कारण और साथ में जबकि सरकार की बिल्कुल ही मदद नहीं आ रही है उसके कारण हम कुछ आगे नहीं बढ़े हैं। पर फिलहाल अब हम पिछली सरकार के में अपने अर्जी लगाए थे कि करिकुलम में हिंदी को डाला जाए और बस एक दो हफ्ते में हम एक और नए सरकार के साथ में अर्जी लगाने जा रहे हैं, अपने सबमिशन देने जा रहे हैं कि हिंदी भाषा को न्यूजीलैंड कार्यक्रम में लाया जाए। सत्या जी, हमारे न्यूजीलैंड में जो भी हिंदी लर्नर्स हैं वो क्या सारे सेल्फ ड्रिवन हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स उनको इनकरेज करना पड़ता है? देखा जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स लोगों का प्रोत्साहन करना पड़ता है और देखा जाए कि यहाँ पर न्यूजीलैंड में एक ही पाठशाला में हिंदी फॉर्मली पढ़ाया जाता है, पपाटेटो हाई स्कूल में, और ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी बेस्ड स्कूल्स में हिंदी कराई जा रही है, जैसे वाइटाकरे हिंदी स्कूल है, वेलिंगटन हिंदी स्कूल है और यहाँ पर कुछ मंदिरों में भी पढ़ाए जा रहे हैं। इसके द्वारा बच्चे बड़े अच्छे तरह से हिंदी पढ़ते हैं और जो वाद्यंत्र जो है, म्यूजिक क्लासेस जो है, डांस क्लासेस वो भी अटेंड कर रहे हैं। और सत्या जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि जब बच्चे यहाँ पे बड़े होते हैं, न्यूजीलैंड में बड़े होते हैं जहाँ पे एक वेस्टर्न कल्चर है, जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, तो जब वो क्लासरूम से बाहर निकलेंगे वो फिर से उस वेस्टर्न कल्चर में घुल मिल जाएंगे तो शायद इंग्लिश को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, तो ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में आपका क्या सोचना है? ऐसा देखा जाए कि माता पिता इसमें बहुत ही रहम अदा कर सकते हैं कि यही बहुत ज़रूरी है कि घर पर जितना हो सके वो वातावरण कायम करें कि घर के अंतर्गत और जब भी साथ में रहें हमेशा अपने मातृभाषा जो है उसमें बात करें, बहुत ही ज़रूरी है, वैसा वातावरण रखना चाहिए। हमारी भाषा जो है हमारी पहचान है और इसको हमें हमेशा कायम रखनी चाहिए। और इसको प्रमोट करने के लिए आप कुछ और अलग कर रहे हैं? जी हाँ, हर वर्ष हम हिंदी लैंग्वेज वीक मना रहे हैं और जैसे कि माओरी लैंग्वेज वीक है, तोंगन, चाइनीज, ये सब हर अभी पिछले वर्ष पिछले सप्ताह सामोन लैंग्वेज वीक था और इसी तरह हम भी एक हफ्ते तक अपना हिंदी जो लैंग्वेज है उसको हम मना रहे हैं। स्कूल बेस्ड प्रोग्राम्स बनाकर हम स्कूलों में भेज रहे हैं और साथ साथ में भाषा प्रतियोगिता भी हो रही है और इसमें लगभग 40 बच्चे भाग लेते हैं हर साल। और साथ साथ में हम कल्चरल इवनिंग भी करते हैं जिसमें लगभग काफ़ी बच्चे भाग लेते हैं और हमारे जो देखने वाले लगभग 400 से 500 लोग आते हैं पापाचोटो हाई स्कूल में शाम को एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। बहुत शुक्रिया सत्या जी हमारे शो पे आने के लिए।